the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again नमस्कार आदा सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन सो so, दोस्तों कोरोना का जमाना है और ऐसे जमाने में सब के सब अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने पे लगे हुए हैं कोई जिंक ले रहा है कोई वाइटामिन सी ले रहा है कोई गिलोय ले रहा है कोई अश्वगंधा ले रहा है कोई 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 कुछ और कोई कुर्कुमिन ले रहा है कोई बेसल लीव्स कोई करी लीव्स कोई ये लीव कोई ये कोई ये कोई, ये, कोई सिर्फ नेचुरल चीज़ों से बूस्ट करना चाहता है कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी इंक्लूड कर रहे हैं अगर आप भी अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम के बेस को समझना पड़ेगा उसके लिए हमारे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं जो आपको समझाएंगे कि इम्यून सिस्टम बूस्ट कैसे करता है कई सारे वीडियोस हमने बनाए हैं और पहले भी बताया है इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है बूस्ट किन बेसिक्स से होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअल बूस्ट कर सकती हैं चाहे वो एलोपैथ में हो चाहे आयुर्वेद में हो पहले भी हमने कई सप्लीमेंट्स भी आपको रिकमेंड किए हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं हम डिपेंडिंग अपॉन कई बार एलोपैथ आयुर्वेद मिक्स होते हैं तो कई लोग जो है सिर्फ एलो आयुर्वेद की दवा लेना चाहते हैं अगर आप केवल नेचुरल सप्लीमेंट लेना चाहते हैं और बूस्ट करने के लिए तो फिर एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स आपको हम बताएंगे आज जो सप्लीमेंट आप ले सकते हैं और ये केवल नेचुरल सप्लीमेंट है आपको याद होगा हमने आप एक कुरकुमिन का वीडियो बनाया था कुरकुमिन एक बहुत ही बहुत ही जोरदार एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके जो हल्दी होती है टर्मरिक होता है उसका उसके अंदर पाया जाता है और टर्मरिक के अंदर से उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जा सकता है कुरकुमिन और गिलोय गिलोय और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मिला के एक और नया सप्लीमेंट है जो हम आपके सामने पेश करने वाले हैं आज दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी बूस्ट इम्यूनिटी बूस्ट फ्रॉम वेदा अब इसमें क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में जान लेते हैं याद रखिए वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स एजुकेटिंग यू अबाउट द इंग्रेडिएंट्स और रिकमेंडिंग यू वन प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट एंड लेट्स सी हाउ इट एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो लेट्स टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट पपाया लीफ जो है उसके अंदर फाइटोन्यूट्रिय कंपाउंड पाए जाते हैं पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट डेंगू की बीमारी में बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा यूज़ करते हैं ये एक इम्यून एंटीऑक्सीडेंट तो है ही देखिए एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर पपेन अल्कोलॉइड्स फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देते हैं इसके एंजाइम जैसे पपेन है ये बायोलॉजिकल एक्टिव एंजाइम है ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये इनडाइजेशन ब्लोटिंग डाइजेस्टिव डिज़ॉर्डर और दूसरी पेट की बीमारियों में हेल्प करता है पपाया लीव्स में वैसे दूसरे वाइटामिन्स भी है, वाइटामिन भी हैं वाइटामिन सी वाइटामिन ए वाइटामिन ई इसके अंदर है बी बी कॉम्प्लेक्स ए के ये भी मौजूद होते हैं और साथ ही कुछ मिनरल्स भी है यानी कि मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम डेंगू फीवर में भी आप जब मॉस्किटो वाला डेंगू फीवर होता है उसमें अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम, कम होता है तो आपको पपाया के लीव्स दिए जाते हैं वो पपाया के लीव्स के एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं दे दोज़ आर सीन टू बी वेरी इफेक्टिव एंड दे इंक्रीज़ योर प्लेटलेट एज वेल एज दे हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगी इस तो पहला इसमें है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट 200 हंड्रेड मिलीग्राम्स पर टैबलेट सेकेंड इज बेसल लीव्स बेसल लीव्स जो है ये भी एक मेडिसिनल प्लान प्लांट है आयुर्वेदिक सिस्टम में जो कि आप तुलसी के नाम से भी जाना जाते हैं तुलसी आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि है कितनी इंपॉर्टेंट है एंटी ऑक्सीडेंट है एंटी इंफ्लामेटरी है एनाल है फीवर रिड्यूज करती है लीवर प्रोटेक्ट करती है ब्लड वेसल्स प्रोटेक्ट करती है स्ट्रेस कम करती है इम्यून बूस्ट करती है और क्या चाहिए तीसरी चीज़ इसमें है पुनर्नावा। पुनर्नावा जिसको मान लीजिए एक मेडिसिनल नेचुरल कंपाउंड है ये भी कई बीमारियों में एक रसायन के नाम से इस्तेमाल किया जाता है ये आपकी स्ट्रेंथ लाइफ की स्ट्रेंथ यूथफुलनेस बढ़ाने में पाया जाता है बोला जाता है और देखिए आयुर्वेदिक हर एक जो मेडिसिन है उसके ऊपर सबके रिसर्च चल रहे हैं कुछ प्रूवन है कुछ अभी अनप्रूवन है हो सकता है प्रूव हो जाए हो सकता है डिसप्रूव हो जाए बट जो हम बता रहे हैं उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं दिस इज नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट अगेन आई एम टेलिंग यू दीज आर इम्यून बूस्टिंग थिंग्स वेन पीपल से कि आयुर्वेदिक चीज है ये इस चीज़ का दाम बाण इलाज है ट्रीटमेंट है पक्का पक्का सौ परसेंट गलत बोलते हैं बिकॉज जो चीज प्रूवन नहीं है उसको इस तरह से आपने प्रचारित नहीं कर सकते आप बोल सकते हो कि ये एक इम्यून बूस्टर है ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है इसका इस चीज में एडवांटेज मिलेगा यू कैन नॉट हाइपर इन्फ्लेट द एंड गिव से यू दैट इज मोस्ट दिव सो ये भी एक एंटी ऑक्सीडेंट है और साथ ही इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी देखी गई है तो कुछ बैक्टीरिया वायरसेस के खिलाफ पैरासाइट के खिलाफ भी खासकर जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके खिलाफ इफेक्टिवनेस देखी गई है फिर इसके अंदर है पुनर्नावा के बाद ग्लोय गिलोय के अंदर जो है इसमें ऑब्वियसली इसका भी एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी पायरेटिक एंटी ऑक्सीडेंट एंटी कैंसर इफेक्ट देखा गया है होता क्या है इन सब के बहुत माइनर 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 इफेक्ट्स हैं जो सारे मिला दिए तो एक ढंग का इफेक्ट आ जाता है हम एक ही चीज़ लेते हैं तो हमें कोई मेजर बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता लेकिन हम कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ लेते हैं तो हमें थोड़ा बेटर वर्जन मिल जाता है तो या तो आप इतने सारी चीज़ें अपने डाइट में डालें या तो आप एक गोली ले लें ये बहुत अच्छा है तो गिलॉय जो है जो आपने देखा है क्रोनिक फीवर इम्यूनिटी डायबिटीज़ में भी बेटर है थोड़ा सा डाइजेशन के लिए भी और रेस्पिरेटरी की बीमारी में भी काम आता है फिर इसमें है फ्यूनिग्रिक सीड्स फ्यूनिग्रिक सीड जो है ऑब्वियसली ये बहुत सारी पेट की बीमारियां फीवर uh, डैंड्रफ एनीमिया ऐसी बीमारियों में थोड़ा बहुत आपका काम करता है डायबिटीज इंफ्लामेशन इंसोमनिया ये सब का लैक्टेशन में भी काम करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है फ्यूनिगिक स्ट्रीट तो फ्यूनिगिक स्ट्रीट जो है काफी बेनिफिशियल न्यूट्रिशन उसमें न्यूट्रिएंट भी है आयरन मैग्नीशियम मैग्नीज कॉपर बीसिक्स प्रोटीन फाइबर ये सारी चीजें हैं और कई सारे फाइटो फाइटो न्यूट्रिय न्यूट्रिय द प्लांट्स विच आर कोलिन ट्राइगोन आपके जेटोजिन जयजेस्टीन डिओजेस्टीन बहुत सारे अलग अलग खतरनाक नाम के फिर इसमें है पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट भी है जो हम जो कई सालों से उसके हेल्थ बेनिफिट माइक्रोब एंटी माइक्रोबियल है बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है और पोमोग्रेनेट <coughs> एक्सट्रैक्ट जो है वायरसेस uh, के खिलाफ भी काम कर सकता है सो so ये इंपॉर्टेंट है एंटी भी है इसमें टैनिन है एंथ्रोसाइनिन है एलाजेलिकला एलागिक एसिड है दीज आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी अगेन फिर इसमें इन्होंने और डाला है गोट मिल्क पाउडर गोट मिल्क पाउडर जो है इसमें भी इन्फ़्माेशन कम करने की डाइजेशन के लिए थोड़ा सा इम्प्रूव करने की और बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोन्स के लिए आपके जॉइंट्स के लिए हार्ट के लिए जो मिनरल्स हैं वो देखे गए हैं सो दैट इज़ देयर आपका ये सारे एक्सट्रैक्ट है इसमें और लास्ट बट नॉट द लीक इसमें है अल्टीमेट कुर्कोमिन कुरकोमिन लौंगा इसके अंदर 100 मिलीग्राम्स आपको मिल जाएगा सो so, इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है सो दिस इज़ अ गुड नेचुरल कॉम्बिनेशन जो आप अपने डाइट में डाल सकते हैं इसकी एक टैबलेट आप दिन में दो बार ले सकते हैं खाने के बाद या खाने से बिल्कुल पहले तो दिस इज़ अ गुड एडिशन विच यू कैन डू इन योर अगर आप कोई नेचुरल चीज़ ऐड करना चाहते हैं लाइक आई सेड आपके पास ऑप्शन है आप चाहें कोई भी दूसरी इम्यून बूस्टिंग चीज़ ले सकते हैं बस आपको पता होना चाहिए उसमें क्या है और वो क्या करता है और उसका क्या बेनिफिट है बहुत इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है आपके हैप्पीनेस से आपके आपके स्ट्रेस कम लेने से और कई सारे इंपॉर्टेंट बेसिक्स है याद रखिए बेसिक्स आपको समझना है तो वीडियोस देखने होंगे इम्यून सिस्टम के और नींद अच्छी लेनी बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है खूब सारा पानी पीना बहुत जरूरी है आपका ताकि आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और ये एक आप टैबलेट अपने डाइट में अपने सप्लीमेंट स्टैक में ऐड कर सकते हो इम्यून बूस्ट फ्रॉम एन वेदा गुड प्रोडक्ट राइट एंड दिस कैन बी ऑल्सो गिवन टू पेशेंट्स जो अभी अगर इस पानी आ वाले सीजन में जिनको डेंगी हो रहा है या डेंगी के प्रीवेंशन के लिए भी लिया जा सकता है सो दिस इज़ अ गुड टैबलेट पांच साल के ऊपर आप इसको दे सकते हैं पांच साल से नीचे के बच्चों को ये ना दीजिए ये एक बेटर चीज़ है प्लस क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं हुआ है तो सेफ रहिए प्रेग्नेंसी और लैक्टेशन करने वाले लोग भी इनको ना लें हाँ आप नॉर्मल हैं नॉर्मल एडल्ट हैं यंग एडल्ट कोई और मेजर बीमारी नहीं है इवन बीमारी हो तो भी ये ले सकते हैं डायबिटीज़ हाइपरटेंशन ऐसी बीमारियों में कोई इसका मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेनिफिट ही होगा इम्यूनिटी में तो सिर्फ प्रेगनेंसी बच चाइल्ड पाँच साल से नीचे और और लैक्टेशन वाले इसको ना लें बाकी सारे लोग इसको ले सकते हैं इसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इसका करंट प्राइस देख सकते हैं इट इज़ अगेन अ डाइटरी सप्लीमेंट इट इज़ नॉट अ मेडिसिन रिप्लेसमेंट ये किसी चीज़ का एग्जैक्ट अकेला ट्रीटमेंट नहीं है या आपके इम्यूनिटी uh, को बूस्ट करेगा हेल्प करेगा कि आप और ज़्यादा बेहतर हो जाए सो दिस इज ऑल अबाउट इट जरूर ट्राई करिए देखिए इम्यून बूस्ट और जो लोग इम्यून इम्यूनिटी के लिए एक एलोपैथिक सप्लीमेंट चाहते हैं वो हमारे वीडियोज देख सकते हैं एलोपैथिक सप्लीमेंट्स का भी रिकमेंडेशन आपको मिल जाएगा थैंक यू सो मच प्लीज शेयर द वीडियो लाइक द वीडियो सो दैट एटलीस्ट पीपल गेट एजुकेटेड अगेन आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं या कोई और भी सप्लीमेंट ले सकते हैं जिनमें ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हों थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी